पीएफएसी 2022 के बहुत सारे सेंटर्स पे जो आपके फिजिकल मेडिकल चल रहे थे, तो वो कुछ जगह जो हैं मे बी टुमारो फिनिश हो जाएंगे, कुछ जगह एक दो दिन बाद फिनिश होगा, और कुछ जगह जो है वो सपोज लास्ट फिजिकल 24th को शायद है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट्स अलग अलग टाइम पे फिनिश हो रहा है। तो अब जो कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके आउटपुट आ चुके हैं कि आप अब इंटरव्यू में अपियर होने वाले हो, आपका फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई हो चुके हो, या जिन्हें रीमेडिकल मिला था वो रीमेडिकल क्वालिफाई हो चुके हो, या जो भी आप एक दिन दो दिन या कोई नेक्स्ट वीक में आपका सपोज हो जाता है, या इवन मान के चलो 26 27 तक, सपोज जिनका लास्ट 24th को है फिजिकल, तो उनका दो तीन दिन टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे जिनका फिनिश होते जाता है, जिनका होते जाता है, जिनका ये होता है कि हाँ अब हमारा क्लियर हो चुका है, जिनको लगता है यस वी आर कंप्लीटेड, वी कंप्लीटेड द प्रोसेस, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर, तो उन कैंडिडेट्स के लिए है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है हाउ टू स्टार्ट। ये जो सेकेंड आपका एक तरह से स्टेप था, जो फर्स्ट स्टेप क्या है, रिटेन आपका पार्ट है, तो मेजोरिटी आपका जो रिटेन में 75% वेटेज जो है, यानी कि 75% मार्क्स जो है ऑलरेडी लॉक हो चुके हैं, अब आप उसमें चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हो, वो आपका पैक हो चुका है, वो उसको आप ओपन नहीं कर सकते हो, उसमें आप कुछ इनपुट नहीं डाल सकते हो। लेकिन और जो अभी सेकेंड वाला स्टेप किसी का चल रहा है या इनका हो चुका है, तो उसमें से आपको कोई मार्क्स नहीं मिल रहा, इवन इफ किसी ने इवेंट बहुत अच्छा तरीका से किया, या किसी ने जस्ट फिनिश किया, एट द एंड ऑफ द डे आप पास हो या फेल हो ये मायने रखता है, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जो थर्ड स्टेप आपका अब जो है, वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट पीटी या इंटरव्यू व्हाट्स एवर आप कह सकते हो, तो पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू में आपके जो रिमेनिंग 25% मार्क्स हैं, वो 25% मार्क्स मीन्स 150 मार्क्स। अब सपोज देखो जो ये आपके रिटेन वाले कंपोनेंट है 450 मार्क्स, ये 450 मार्क्स में देखोगे कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो मेजोरिटी ऑफ अभी जो सेलेक्ट कैंडिडेट हो रहे हैं, तो उनका मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, तो जनरल कैंडिडेट में सपोज 200 आपका 20 से लेकर के 240 के बीच में ये कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस रेंज में आते हैं। अब यदि हम इस मार्क्स को यदि हम देखें, इसके हाफ यदि करें 50%, तो 50% करते हैं तो 225 आता है, ओके, तो 225 आपका ये 50% हो गया। अब इसमें से और जो ये 10% ऐड करते हो तो सपोज 270 आ जा रहा, 60% मार्क्स यदि करते हो तो 270 आ जाता। अब 270 तो वेरी लिमिटेड कैंडिडेट, फ्यू कैंडिडेट्स ही ऐसे होंगे जिनके 270 या उससे ऊपर आएंगे, फ्यू एक्सेप्शन दो चार कैंडिडेट, पांच कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका इतना या उसके ऊपर आता है। अब 60% इस मार्क्स का देखो, जो 150 है इसका 60% आपका 90 मार्क्स होता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जो 90 से ऊपर रहते हैं। इसमें 70% यदि करो तो 70% करते हो तो 105 भी कई कैंडिडेट्स के होते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है इसमें इंटरव्यू में या पर्सनालिटी टेस्ट में, इसमें अधिक मार्क्स आता है कैंडिडेट्स का, वो किया जाता है, और जो इसमें चेंजेस अलमोस्ट नहीं हुए हैं, लंबे समय से देखोगे कि मोर और लेस यही सिचुएशन चल रहा कि एक आप एवरेज परफॉर्मेंस करते हो तो 90 आपका आता है, उससे ऊपर जैसे जाते जाते हो आपका, और समटाइम आपका डे वो उस टाइम में कुछ जो अपने प्रिपरेशन कर रखा था उससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे गए, उस डायमेंशन को आपने अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ टू स्टार्ट, आप प्रिपरेशन किस ढंग से स्टार्ट करोगे। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके पास प्रायर एक्सपीरियंस है कि जिन्होंने सपोज पहले इंटरव्यू दे रखा है, या फॉर एग्जाम्पल 21 वाले में ऑलरेडी आप इंटरव्यू या तो आपका हो चुका है पहले या फिर आपका होने वाला है, या सपोज आपने 2020 में इंटरव्यू दिया है, तो जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दे रखा है उनको तो आइडिया है, उनको तो एक्सपीरियंस है कि हम किस ढंग से चीजों को मूव करें। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर होते हैं, और मानो या ना मानो या जो भी आपको लगता है, हर वो कैंडिडेट इवन आप एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हो या नॉन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, वो एक जो क्यूरियोसिटी होता है यूपीएससी में कि हाँ किस ढंग से होगा, इस बार किस ढंग से चल रहा है, ये सारी चीजें चलते रहती है। वंस यू गो, जब आप इंटरव्यू में जाते हो वहां से आते हो, तो शायद मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट को लगता है कि इट वॉज नॉट एज डिफिकल्ट
आज आई थॉट, जितना सोचते हो ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में असिस्टेंट कमांडेंट में गया, तो लगा वो एक बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी कैसा होगा ये। जब वहां से निकला तो लगा कि इतना भी ये नहीं था टफ जितना हम सोच रहे थे। फिर जब मैं सेकेंड टाइम यूपीएससी बिल्डिंग में गया, तो तब तक मेरे पास बहुत सारी चीजें, एक्सपीरियंस और ये, तो मुझे एक कंफर्ट लगा। अच्छा चल ठीक है, चलना है इंटरव्यू देने के लिए। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखो कि कोई भी कैंडिडेट जाता है तो उस मोमेंट पे फर्स्ट टाइम में ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। तो जो फर्स्ट टाइमर है, सो जिनको अभी इस बार स्टार्ट करना है, जिनको देना है, उनके लिए सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका DAF है, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी इंटरव्यू के लिए। आप देखोगे कि हर एग्जाम में जो यूपीएससी क्या करती है, एक जो इनिशियल फॉर्म आपसे भराया जाता है, इनिशियल फॉर्म में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जो कैंडिडेट्स हैं, वो सारे के सारे, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। अब सारे इंफॉर्मेशन को, उनको क्या मतलब है उन इंफॉर्मेशन से। लेकिन जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हो, तो आप 1%, 0.5%, 2%, 3%, 4%, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एग्जाम में आप अपियर हो रहे हैं। मान के चलो किसी एग्जाम में प्री और मेंस दोनों है, तो यदि प्री और मेंस दोनों है तो क्या होता, नॉर्मली आपको सपोज 3% के आसपास कैंडिडेट को वो क्वालिफाई कराते हैं। फिर देखोगे कि DAF उसमें भरा जाता है, तो 3% लोगों का DAF, लेकिन 100% को तो नहीं ना उतना कर सकते हैं। तो लेकिन आपके वाले में क्या होता है, 1% या 1% से लेस होते हैं, या 1% से थोड़े से ज्यादा, कभी कभी कुछ टाइम में जैसे 2.5%, 3% के आसपास क्लोज टू भी थे। जैसे 2018 में देखो तो 2900 प्लस कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, तो वो एक तरह से 2.8% के आसपास लोग थे रिटर्न क्वालिफाई। लेकिन सपोज 21 वाले बैच में लोग तो 1.1% के आसपास, या फिर इस बार देखो 1.4% के आसपास 22 में, तो 22 बैच में 1.4%, तो 1.4%, 2%, 2.5%, या 1%, या समटाइम लेस देन 1%। तो इतने कैंडिडेट्स ही होते हैं जो आपके रिटर्न क्वालिफाई करते हैं। तो सबका DAF बनाया जाता है। DAF में देखोगे कि एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं, एन नंबर ऑफ कॉलम है। सबसे पहले आपका जो नेम है, ईमेल आईडी होता है, फिर आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, वर्तमान में, प्रेजेंट में आपका क्या एड्रेस है, फिर आपका जो परमानेंट क्या एड्रेस है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही होता है, तो ऑब्वियसली है आपको एक नया जगह का प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा। फिर आप देखोगे कि उसमें से आता है आपका कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपने क्या क्या एजुकेशन कर रखा है, एक रिक्वायरमेंट क्या है अप टू ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कुछ कैंडिडेट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आपको 10th 12th ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यदि 10th 12th से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यदि कोई ऐसा स्कूल आपका है, सपोज कोई DAV से पढ़े हुए हो, तो मे बी DAV के बारे में पूछा जा सकता है, या कोई केंद्रीय विद्यालय में पूछे पढ़े हो तो केंद्रीय विद्यालय के संबंध में पूछा जा सकता, या कोई ऐसे स्कूल में पढ़े हो जहाँ किसी नेम से आपका किसी महान पर्सनालिटी के नेम पर स्कूल हो, तो उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर कोई है एक्सेलेंट मार्क्स ले आए हैं, सपोज 10th में 98% है, 97%, या 12th में 94%, तो मे बी इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। या किसी ने बहुत खराब लाया, जस्ट 40% पे पास हुए, ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं, तो आपसे वो आधार पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी जो है फिर वो ग्रेजुएशन पे आते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन एक बेस है, आप उस बेस पे ही इस एग्जाम में एलिजिबल हुए हो, तो उससे आपके पूछे जाते हैं। जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सम टाइम क्या होता है ना, कि जैसे कुछ बहुत सारे आज के डेट में कैंडिडेट्स हैं, एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो CSE का मेंस दिए हुए हैं, तो जब CSE का मेंस दिए हुए रहते हो, तो आपका उस मेंस ऑप्शनल, क्योंकि मेंस जब आपने दिया, इसका मतलब है आपने प्रिपरेशन किया है, तो जो ऑप्शनल पेपर आपका था उसको आपको छोटा थोड़ा सा प्रिपरेशन करना चाहिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी सेम है और ऑप्शनल भी सेम है, तो उनके लिए तो शायद लिटिल मोर कंफर्ट होता है। लेकिन जिनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट डिफरेंट है मेनली, और जो ऑप्शनल डिफरेंट है, तो थोड़ा सा आपको दोनों को प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो वो आपको करना है।
फिर आता है आपके पेरेंट्स वगैरह के बारे में कि जो आपके क्या पेरेंट्स क्या करते हैं, या जो भी इधर फार्मर हैं या फिर जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर कोई बिजनेस करते हैं, या पर्सनल कुछ जो भी है उस ढंग से, तो उनके संबंध में, या फिर आपके फादर कहाँ पोस्टेड हैं वर्तमान में, या फोर्स में सपोज हैं तो उससे रिलेटेड चीजें, ये हो गया। फिर आपका जो फोर्स प्रायोरिटी है उन चीज वो सारी चीजें, फिर आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज, टीम, ये स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो जो DAF है, हर कैंडिडेट एब्सोल्यूट रूप से, कोई भी नहीं कह सकता ना कि एब्सोल्यूट रूप से हमें DAF से इतने क्वेश्चन पूछे गए, या कोई पैरामीटर तो है नहीं उस ढंग का। लेकिन जो मेरा मानना है, जो कैंडिडेट्स के साथ मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैं वो जो शेयर करते हैं, जो उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस मेरा होता है कम्युनिकेशन, तो मैं देखता हूँ कि मोर और लेस देखोगे कि 70% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके DAF से पूछे जाते हैं। अब DAF से ये जरूरी नहीं है कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं। अब सपोज करो कि आप मान के चलो कि यूपी में प्रयागराज से आप बिलोंग कर रहे हो, तो प्रयागराज से बिलोंग करते हो तो ये नहीं डायरेक्ट पूछेंगे कि हाँ जी बताओ प्रयागराज की चार विशेषताएं बताओ, या फिर प्रयागराज में कौन कौन से देखने के स्थान, नहीं। हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपको वो कुंभ पे आ जाए कि कुंभ का जेनेसिस कहाँ से हुआ, क्योंकि जो प्रयागराज जगह है वहां पे आपका कुंभ लगता है, कुंभ चार डिफरेंट प्लेसेस में लगता है। अब मान के चलो आप रह रहे हो प्रयागराज में, लेकिन और जगह पे सपोज हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है, तो सिर्फ आपको प्रयागराज के बारे में ही नहीं जानना है, अब उससे रिलेटेड उन जगहों पे तो आपको तो लगेगा कि मैं नासिक तो कभी गया नहीं, नासिक से हमको क्या मतलब है। लेकिन यदि आप प्रयागराज में रह रहे हो तो आपको नासिक के बारे में भी जानना है, आपको हरिद्वार के बारे में भी जानना है, या फिर किसी ऐसे जगह पर रह रहे हो जो जगह गंगा के किनारे है तो आपको उसके बारे में भी जानना है, किसी ऐसे जगह पे आप रह रहे हो जहाँ कोई इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री, उस टाइप का इंडस्ट्री का क्लस्टर कहाँ है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब यदि कोई जमशेदपुर में रह रहे हो तो टाटा के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि टाटा के बिजनेस क्या है, तो ये सारी चीजों को रिलेट करके किया जाता है। अब मान के चलो कोई सपोज कुछ ऐसे जगह पे रह रहे हो, आगरा आपसे बिलोंग कर रहे हो, अब आगरा में बहुत सारी चीजें हैं तो उसको रिलेट करना है चीजों को। आपके पेरेंट्स सपोज कोई जॉब में है तो सपोज ये करो कि आपके फादर BSF में है, तो BSF एक फोर्स में तो है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उससे रिलेट करके बहुत सारी चीजों को किया जा सकता है। तो DAF पर जितना टाइम दो आप, जितना टाइम का मतलब नहीं है कि उसी को खोल करके, नहीं, आप फ्रेश माइंड से जब भी कभी हुआ, देखो हर कैंडिडेट्स जो होते हैं वो जब तक प्रिपरेशन जर्नी में होते हैं, जब तक उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो वो प्रिपरेशन करते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ अपना वर्क करते रहते हैं। तो वंस आपको लगता है कि हम अभी प्रिपरेशन जर्नी में है, जो मेन आपका अभी जो रिटेन का कोई एग्जाम, आइदर CSE का प्री हो या कुछ आपके स्टेट PCS का मेंस हो, या जो आप उस पर वर्क करते रहो। पर्सनैलिटी टेस्ट में ऐसा नहीं है कि दिन भर इसमें मेहनत करना, नहीं, हर डे आप 30 मिनट्स 40 मिनट, डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रायोरिटी और टाइम अवेलेबिलिटी, 30 to 40 मिनट्स, तो जिनको लगता है कि उधर हम ज्यादा थोड़ा फोकस कर रहे हैं तो हर अल्टरनेट डे में 30 to 40 मिनट्स उसमें डिबेट करो, डिवोट करो। कोई टॉपिक ऐसा लगता है, कोई टर्म ऐसा आया और उससे अभी कोई न्यूज में है तो उसको रिलेट करने की कोशिश करो। तो पहला है DAF पे जितना अधिक आप वर्क कर सकते हो, जितना उसको रिफाइन कर सकते हो, जितना उस पर थॉट दे सकते हो, जितना रिलेटेड चीजों में जा सकते हो, अननेसेसरी नहीं, ऐसा नहीं है कि हम 1000 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे या 2000, नहीं, हम जो काम की चीजें हैं, जो अभी कंटेक्स्ट में है, रिसेंट में है, तो उससे रिलेटेड चीजों को करो। दूसरा आपका करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है जो बहुत ऐसे लोग हैं ना कि जो किसी एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं वो भी करेंट अफेयर्स को देखते रहते हैं कि हाँ जी क्या न्यूज चला। तो हर आदमी जो है उसका, हर पर्सन जो है उसके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, कुछ इंटरेस्ट, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं ना कि अपने स्टेट के बारे में ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या यहाँ हो रहा है, बहुत सारी चीजें, तो उन न्यूज को देखते हैं। कुछ लोग हैं कि स्पोर्ट्स में उनको इंटरेस्ट है तो वो स्पोर्ट्स वाले को लाइन वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद कोई मतलब नहीं। किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो उनके जो फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने क्या कहा या उसके अपोजिशन ने क्या कहा, फिर डिस्कशन डिबेट करेंगे कि एकदम बेवकूफी वाला बात ये कह रहा है, इसको कैसे जिता दिया पब्लिक ने, ये प्रॉब्लम है।
फिर है देखो तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं उसके बाद भी अच्छा नहीं, तो आप जिसमें भी होते हो उस इंटरेस्ट को, किसी को बिजनेस से रिलेटेड है तो सपोज वो अपना बिजनेस स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक टाइम्स देख रहा, तो कुछ ऐसे लोग हैं ना कि जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं फिर भी वो अपने इंटरेस्ट का जो चीजें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो चटपटी मसाले के लिए ही न्यूज़पेपर देखते हैं पढ़ते हैं, तो ये भी सिचुएशंस हैं। आप जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसके नेशनल इंपॉर्टेंस है, इंटरनेशनल रिपरकशन है और इंडिया पार्टिसिपेंट है उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसके बारे में इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित क्या हो रहा, हमारे जो पड़ोसी हैं नेबर हैं वो इकोनॉमी है उससे, सोसाइटी है उससे, तो जो इंपॉर्टेंट इसमें इंसिडेंट्स इवेंट्स हो रहे हैं आपको उसको देखना है। आप प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो, चाहे सीएससी का कर रहे हो, स्टेट पीसीएस का कर रहे हो, जो भी, तो उसमें भी करंट का आपका हर जगह जरूरत पड़ता है, उसको करना है। एक और चीज है कि जो कुछ ऐसे न्यूज होते हैं ना जो मेन स्ट्रीम में आते हैं, कुछ न्यूज होते हैं जो मेन स्ट्रीम में शायद नहीं आते हैं। आप किसी ऐसे प्लेस से रह रहे हो, सपोज कोई सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, तो कुछ न्यूज जो है मेन स्ट्रीम में शायद नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है कि वो समस्या वहां है, तो उस समस्या को आप स्टडी कर सकते हो। या कोई आपके लोकल लेवल पे कुछ ऐसे पर्सन है, जैसे आज के डेट में देखते हो ना कि अभी जैसे एलिफेंट विस्पर, ये सब डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर में अवार्ड मिला तब सारे लोग जानने लगे, लेकिन अदरवाइज उसके पहले से भी वो लोग मेहनत कर रहे थे, तो वो चीजें नहीं लोगों के पास पता था। कुछ ऐसे लोग अभी देखो रिसेंट टाइम में बहुत ऐसे लोगों को पद्मा अवार्ड मिल रहा है जिनको कोई जानते नहीं थे, लेकिन जब पद्मा अवार्ड मिला तो उनका रिकग्निशन, कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिनॉर्ड हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुपर 30 के जो फाउंडर हैं आनंद कुमार, उन्हें और पद्मश्री मिला तो उन्हें हर कोई जानते हैं। यदि अक्षय कुमार को अवार्ड मिल रहा है तो हर कोई जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं और उनको, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया। देखो जब अवार्ड मिल जाता है तो शायद उन्हें रिकॉग्निशन मिल जाता है, लेकिन मे भी हो सकता है आप किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो जहां लोगों को कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको स्टेट लेवल पे प्रॉपर तरीका से गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया या नेशनल लेवल पे उनका रिकॉग्निशन नहीं है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं तो उस पर आपको वर्क करना है। समटाइम जो आउट ऑफ द बॉक्स मार्क्स मिलते हैं ना तो वो किस इसी आधार पे। फिर दूसरी बात है कि देखो जो आप या इधर कहीं आप प्रोग्राम ज्वाइन करो, कहीं भी कर सकते हो, आप चाहो तो मेरे पास ज्वाइन कर सकते हो, या आपके जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी लगता है कि जो मेंटर हमें प्रॉपर तरीका से गाइड कर सकते हैं, जो हमें टाइम दे सकते हैं, जो पर्सनली रूप से हमसे जुड़ सकते हैं, आप उनसे जुड़ो, या किसी के सीनियर हैं, यदि आप सपोज ऐसा होता ना कभी कभी कि दो फ्रेंड हो सेलेक्ट, एक हो गए, एक अभी है थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, आप उनसे बात करो, या सम टाइम होता है कि 3 to 4 पीपल हैं लाइक माइंडेड पीपल हैं वो जुड़ गए, आपस में डिस्कशन करो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो खुद से डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे का मॉक लेते हैं, एक दूसरे की कमियां बताते हैं, एक दूसरे की अच्छाई बताते हैं, या कुछ करेंट अफेयर्स वगैरह डिस्कस करते हैं, तो ये इन सारे चीजों को करना चाहिए। जब आप मॉक करते हो, जब आप सेशन अटेंड करते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें डायमेंशंस मिलते हैं कुछ जो हम सोच रहे हैं, तो शायद हम वो हर बार सही नहीं होता, और एक्सपीरियंस मैटर्स। कि जब फॉर एग्जाम्पल मैं लंबे समय से यदि एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ इसके संबंध में, जो इस एग्जाम के संबंध में, तो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट हुए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस, तो वो आपको डिलीवर किया जाता है। वैसे ही आपके यदि कोई फ्रेंड फैमिली मेंबर्स कोई हैं या कोई ऑलरेडी फोर्स में हैं तो उनको आइडिया है, वो उन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो अभी डीएएफ को और करेंट पे स्मॉल स्मॉल जो है नोट्स उसको रखो, डिफरेंट सेक्शन को वर्क करो, और यदि आपको लगता है कि प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, कुछ फायदा हो सकता है, कुछ बेटरमेंट हो सकता है, तो आप जुड़ सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो 8527146498 ये व्हाट्सएप नंबर पे, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669, और ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, चाहे 21 बैच हो, 20 बैच थे या फिर 2019, तो मैं रेगुलर चीज़ों को प्रोवाइड करते रहता हूँ जितनी हो सकता है, जितनी चीज़ें मुझे पता चलती है, मुझे रिक्वायरमेंट लगता है वो मैं डिस्कस करते रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करोगे तभी, आप मैसेज कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, आपको लगता है हम इंटरव्यू देने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट लगता है तो आप मैसेज कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है मैं सारे कैंडिडेट्स को तो गाइड नहीं कर सकता हूँ ना, मेरे पास इतने टाइम तो है नहीं, लेकिन जितने भी हो सकते हैं मेरे से, जितने पॉसिबिलिटी होती, ऑब्वियसली मेरी भी इंटरेस्ट है उसमें कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अधिक से अधिक स्टूडेंट क्वालिफाई हों, ये खुशी होती है हमेशा।
कि जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं और बोलते हैं सर थैंक यू मैं क्वालिफाई हो गया और आपका भी कंट्रीब्यूशन रहा, तो ऑब्वियसली है ये बहुत खुशी मिलती है। तो आप प्रोग्राम ज्वाइन करो ना करो इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के भी डाउट होते हैं, यदि लगता है कि मैं सोल्व कर सकता हूँ तो जरूर आप मैसेज ये करें। ओके, थैंक यू।